मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की शुक्रवार की रात अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब उत्तराखंड को 4 महीने के भीतर ही तीसरा मुख्यमंत्री मिल गया है। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री तय करने के लिए भाजपा विधायक दल की आज बैठक हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी मामलों के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद रहे। इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है। पिथौरागढ़ की ग्राम सभा टुंडी तहसील डीडीहाट के पुष्कर सिंह धामी का जन्म हुआ। सैनिक पुत्र होने के नाते राष्ट्रीयता, सेवा भाव एवं देशभक्ति को ही धर्म के रूप में अपनाया। आर्थिक अभाव में जीवन यापन कर सरकारी स्कूलों से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। इनकी माता विष्णुमा देवी एक धर्म परायण, मृदु भाषी एवं अपने परिवार के प्रति समर्पित घरेलू महिला थी। धामी को बचपन से ही स्काउट गाइड, NCC, NSS आदि शाखाओं में प्रतिभाग एवं सामाजिक कार्यों को करने की भावना रही। खटीमा से वह लगातार 2 बार 2012 से अब तक विधायक है। उनका कहना है कि CM के रूप में क्षेत्र एवं राज्य की जनता से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि अपनी समस्याओं के समय समय पर अवगत कराते रहें, जिससे मैं उन्हें विधानसभा में सरकार के सम्मुख प्रमुखता से उठाते हुए उनका निराकरण अपने सहयोग के समय में करा सकूं। मेरे द्वारा सदैव आपके स्वागत के लिए खुले हैं। सभी लोग, सभी वर्ग, सभी क्षेत्रों में जाति धर्म के विचार से ऊपर उठकर सामाजिक उत्थान के लिए मिलजुल कर कार्य करें। सर, समय कम है, काम अधिक है, कैसे चुनौती को पूरा करेंगे सर? युवा नेता जिंदाबाद।